सो गाइस, हमारे गेम में वापस से आ रहा है मेंटेनेंस ब्रेक, बोल ले तो अभी 32 का अपडेट। ओरे बाबा, सबसे पहले एक बात बताओ, आप सभी लोग पूरे के पूरे दिन क्या करते हो कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो रहने वाली ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, लाइक कुछ बिग चेंज होने वाले हैं अपडेट के बाद में, कौन से फ्री के रिवॉर्ड्स हैं, इसी के साथ आप सभी का क्वेश्चन होगा कि भाई जो गेम हमारी कितनी बजे तक बंद रहने वाली है, कितनी बजे से कितनी बजे तक मेंटेनेंस पे जाने वाली है, कब हमारी गेम ओपन होगी। सो आज की इस वीडियो में आप सभी को वो भी बता दूंगा। एंड जैसे ही आप अपनी गेम ओपन कर लोगे, गेम ओपन करते हैं कौन से इवेंट्स देखने को मिलने वाले, लाइक नया कॉलेब किसका होने वाला है, नए इवेंट्स किसके होने वाले हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह आता है ना। सो आज के इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। अभी मजा आएगा ना, आई नो आप सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बट मेरे मजे का क्या, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तब तक भाई मजे नहीं आएंगे मुझे तो। ठीक है भाई, लाइक कर देना एंड इसी के साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को पे प्रेस कर देना। भाई साहब, तुम आते हो वीडियो देखते हो बट लाइक कोई नहीं करता एंड सब्सक्राइब तो भाई कोई करता ही नहीं है। सो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को पे प्रेस कर देना। चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप सभी लोग जैसे ही अपनी गेम अपडेट कर लोगे उसके बाद कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स में आप सभी को क्या क्या चीज मिलने वाली है। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को नया इवेंट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप सभी को लिखा होगा अपडेट योर गेम, उसके बाद आप सभी को वहाँ पे आई थिंक तो एक डायमंड राउचर या फिर एक वेपन राउचर मिलेगा, या फिर दो डायमंड राउचर दो वेपन राउचर मिलेंगे। ठीक है, सो पहले फ्री के रिवॉर्ड्स तो बात आती है, अब दूसरे फ्री के रिवॉर्ड्स है आप सभी को सिंपली गिल्ड वाले स्टोर पे आना है एंड आप सभी ने जो वाउचर्स को एक्सचेंज किए होंगे ना, यहाँ पे आप सभी को सोल्ड आउट आ गए होंगे, बट अपडेट के बाद में वापस से आप सभी इन सभी चीजों को एक्सचेंज कर पाओगे, लाइक रीनेम चेंज कार्ड को वापस से ले पाओगे, वाउचर्स को वापस से ले पाओगे ओनली कार्ड से। सो प्लीज जाके वाउचर्स को रिडीम करना मत भूलना। एंड इसी के साथ जो एफएफ टोकन पे रिवॉर्ड्स होते हैं लाइक सोल्ड आउट हो जाते हैं, बोनफायर हो गया, बाउंटी हो गया एंड इसी के साथ डायमंड वाउचर हो गए। सो अपडेट के बाद में वापस से जाके उनको एक्सचेंज वगैरह कर लेना। एंड एफएफ टोकन पे नया बंडल भी आने वाला है, अब नया बंडल कौन सा आएगा भाई वो तो नहीं पता, बट मुझे जहां तक लगता है गोल्ड रॉयल का जो फीमेल बंडल ही आएगा। नया गोल्ड रॉयल कौन सा होने वाला है जो कि आप सभी को अपडेट के बाद में तो नहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि अपडेट आएगा उसके बाद रात को 12 बजे नया गोल्ड रॉयल आ जाएगा। ठीक है, सो नया गोल्ड रॉयल मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, ये रहने वाला हमारा नया गोल्ड रॉयल। सो लुक वाइज तो भाई गोल्ड रॉयल जैसा ही लगता है और क्या ही बताऊं, डायमंड रॉयल जैसा लगेगा नहीं, बट फिर भाई जो भी बढ़िया है। ठीक है, हो सकता है कि आप सभी को एफएफ टोकन में इसी का फीमेल बंडल देखने को मिल जाए, लेट्स सी देखते क्या होता है। वैसे तो हर बार यही होता है कि जो चीज गोल्ड रॉयल में आती है उसका फीमेल या फिर मेल बंडल आपको देखने को मिल जाएगा एफएफ टोकन पे। सो लेट्स सी देखते क्या होता है। कोई बात नहीं, एंड आई नो यार आप सभी लोग लोन वुल्फ के अंदर एक ही मैप को खेल खेल के परेशान हो चुके होंगे, तंग आ चुके होंगे, सो इसीलिए आप सभी को लोन वुल्फ के अंदर नया मोड देखने को मिल जाएगा, सॉरी मोड क्या बोल रहा हूँ, नया मैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो नए मैप के लिए एक्साइटेड हो नहीं हो कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। एक और चीज, जो बॉम्ब स्क्वाड कप में जो मैप आया ना जिसमें बॉम्ब स्क्वाड कप खेलते हो, सो भाई वो मैप किस किस को पसंद है, क्या लगता है उस मैप के अंदर इनको क्लैश स्क्वाड देना चाहिए फिर नहीं देना चाहिए। भाई मुझे वो मैप काफी ज्यादा औसम लगा, काफी ज्यादा बढ़िया ग्राफिक्स है उस मैप के, सो मुझे लगता है उस मैप के अंदर इनको क्लैश स्क्वाड दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। बहुत तेज हो रहा है। अब आप सभी के मन में यही सवाल होगा कि गेम चालू कब होगी, गेम मेंटेनेंस पे ब्रेक पे गई है तो गेम चालू कब होगी। ठीक है, सो गाइस गेम गई या फिर जाने वाली है बोलो, आप सभी गेम जाएगी मेंटेनेंस ब्रेक पे 8:30 से 9 बजे तक आप सभी गेम चली जाएगी मेंटेनेंस ब्रेक पे, जो कि चलने वाली शाम को। अब उसकी करेक्ट टाइमिंग क्या रहने वाली वो मैं बताता हूँ, बट उससे पहले आप सभी की गेम जैसे मेंटेनेंस ब्रेक पे जाएगी उसके बाद आप सभी को प्ले स्टोर पे दोपहर 11 बजे या फिर 12 बजे दिन में देखने को मिल जाएगा अपडेट, 300-400 MB का अपडेट देखने को मिल जाएगा प्ले स्टोर पे दिन में 11-12 बजे के आसपास। ठीक है, उसके बाद आप सभी लोग जैसे ही अपनी गेम ओपन करोगे आप सभी को नई लॉबी वगैरह देखने को मिल जाएगी लोडिंग स्क्रीन, बट जो वहाँ पे सर्वर विल बी रेडी सून आएगा, आप जैसे स्टार्ट करोगे टैप टू स्टार्ट, सो आप सभी को देखने को मिल जाएगा सर्वर विल बी रेडी सून। कुल मिला के बोल रहे तो आप सभी गेम चालू होगी यहाँ पे शाम को 5 बजे या फिर 5:30 भी बज सकते हैं या फिर 6:30 भी बज सकते हैं। ठीक है, सो शाम को आप सभी गेम चालू हो जाएगी जो बेफिक्र रहो, बट आप सभी लोग एक बात कमेंट में जाकर जरूर ये बताना कि आप सभी लोग पूरे दिन क्या करने वाले हो, लाइक कौन सी गेम खेलने वाले हो या फिर यूट्यूब देखोगे भाई क्या करोगे भाई कमेंट्स जाकर जरूर बताना, या फिर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो भी कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। सो गाइस, अपडेट के बाद में आप सभी को ये वाली लॉबी देखने को मिल जाएगी जो कि बेस्ड है हमारा नया कॉलेब आ रहा है असेशन क्रीड के साथ। ठीक है, सो उसकी लॉबी रहने वाली, सो ये वाली लॉबी आप सभी को देखने को मिल जाएगी, बट असेशन क्रीड के जो इवेंट्स आप सभी को देखने को मिल जाएंगे थोड़ा लेट, उससे पहले आएंगे हमारे गेम के अंदर शी प्लेयर्स इवेंट। ठीक है, जिसका कैलेंडर में आप सभी को स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, 22 जनवरी से इवेंट स्टार्ट होने वाले हैं हमारे गेम के अंदर, जिसका नाम है शी प्लेयर्स इवेंट। इसमें आप सभी को कैरेक्टर बिल्कुल फ्री में मिलेगा, इसी के साथ एक फीमेल बंडल बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को टोकन कलेक्ट करना होगा एंड उसी टोकन
अपन से जो है अब ये पांडा की स्किन एंड A94 एक्सचेंज वगैरह कर पाओगे। उससे ऊपर गेदर फॉर पार्टी इवेंट में आप सभी को देखने को मिल जाएगा हमारे फ्रेगमेंट्स, कैरेक्टर के फ्रेगमेंट्स, इसी के साथ जो मुको इवेंट का मुको के ऊपर बैकपैक जो है वो आप सभी को बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स सी हमारे गेम के अंदर जब इवेंट आएगा तभी पता चलेगा कि किस टाइप का इवेंट रहने वाला है। पीक डे के दिन आप सभी कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर चॉइस कर पाओगे। एंड जो मैंने कहा था ना पांडा की स्किन आप टोकन से एक्सचेंज कर पाओगे, नहीं, पांडा की स्किन आप सभी को मिलेगी कुछ मिशन कंप्लीट करने पे। लाइक बोयास कंप्लीट करना है आपको, एक घंटा गेम प्ले करना है, जो भी यहाँ पे मिशन दिया जाएगा मिशन कंप्लीट करो एंड पांडा की स्किन को यहाँ से क्लेम कर लेना है। एंड जो आप सभी को टोकन एक्सचेंज पे रिवॉर्ड मिलेगा वो मिलेगा ये फीमेल वंडर लास्ट में देख पा रहे हो। सिंपली आप सभी कुछ नहीं करना, टोकन कलेक्ट करना डेली के डेली, लास्ट में लास्ट दिन आप सभी को फीमेल वंडर को बिग डे के दिन एक्सचेंज कर लेना है। सो गाइस फीमेल वंडर काफी ज्यादा ऑसम है, फर्स्ट फीमेल वंडर मिलेगा अपडेट के बाद में। सो देखते हैं किस टाइप का फीमेल वंडर रहेगा, बढ़िया होगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस। सो गाइस सी प्लस इवेंट चलने वाले 1 फरवरी तक, अब मुझे नहीं लगता है कि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के इवेंट्स हमारे गेम के अंदर आएंगे। अगर आएगा भी तो आप सभी को नॉर्मल से रिवॉर्ड देखने को मिल जाएंगे, लाइक लॉगिन रिवॉर्ड या फिर कुछ मिशन वगैरह आ जाएंगे एकदम से, बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा बड़ा इवेंट्स आने वाला है रिपब्लिक डे का। सो लास्ट टाइम आप सभी को पता होगा लॉगिन रिवॉर्ड लॉगिन इवेंट आया था जिसमें आप सभी को एक दिन लॉगिन करने पर गन की स्किन मिल रही थी, एक दिन लॉगिन करने पर कैरेक्टर मिल रहा था, ठीक है, 7 दिन के लिए। सो मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा। सो मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई आप सभी को रिपब्लिक डे के इवेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी अगर कोई लीक्स एंड अपडेट्स मिल जाए मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। सो गाइस सी प्लस इवेंट खत्म हो गया हमारे गेम के अंदर 1 फरवरी के दिन। अब मुझे नहीं पता कि 1 फरवरी के बाद एसेशन क्रेडिट्स के इवेंट आने वाले हैं या फिर जो है वैलेंटाइंस के इवेंट आने वाले हैं, बट आई थिंक तो वैलेंटाइन इवेंट्स ही आएंगे कुछ एक दो दिन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे एंड एसेशन क्रेडिट्स के इवेंट उसके बाद आएंगे, ठीक है। फरवरी लास्ट में एसेशन क्रेडिट्स के इवेंट्स आ जाएंगे एंड फिर मार्च में आप सभी को होली इवेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सो आप सभी को नहीं पता कि होली इवेंट्स में कौन से रिवॉर्ड्स आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। सो आप सभी लोग चैनल पर जाकर आप सभी को होली इवेंट्स पर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसी के साथ वैलेंटाइन इवेंट पर भी वीडियो मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना, दोनों के दोनों वीडियो काफी ज्यादा ऑसम है। सो गाइस हमारा मेंटेनेंस ब्रेक है 19 जनवरी के दिन, ठीक है। सो आप सभी को 20 जनवरी के दिन एक इवेंट देखने को मिलेगा हमारे गेम के अंदर जिसका नाम है वेब इवेंट, जिसमें हमारा ओल्ड इमोट्स रिटर्न आ जाएंगे, लाइक फ्लेग वाली इमोट, थ्रोन इमोट, ये सब रिटर्न आ जाएगी। उस इवेंट का नाम है इमोट पार्टी इवेंट। सो गाइस ये इवेंट आप सभी को हमारे गेम के अंदर पहले भी देखने को मिला है, बट बहुत बार क्या होता है कि ये जो ओल्ड इमोट्स है सब इमोट रिटर्न में नहीं आते, बट इस बार आप सभी को थ्रोन इमोट देखने को मिल जाएगी, फ्लेग वाली इमोट भी देखने को मिल जाएगी। मुझे नहीं पता क्यों रिटर्न दे रहे हैं, बट रिटर्न दे रहे हैं तो भाई बढ़िया है, बढ़िया। इस इमोट पार्टी इवेंट का जो मेन इमोट रहने वाला है वो मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे, डांस वगैरह कर रहा है भाई, काफी ज्यादा बढ़िया इमोट लग रहा है, बट मत निकालना, मैं तो नहीं बोलूंगा मत निकालो। वैसे इमोट मिल जाएगा 5 स्पिन में, तो इमोट दे ही देते हैं, यहाँ पे लिखा भी होता है कि आप 5 स्पिन करोगे तो आप सभी को रेयर आइटम मिल जाएगा। सो इमोट मिल जाता है 5-6 स्पिन में, 1000 डायमंड के अंदर इमोट तो मिल ही जाता है, बट हमें चाहिए थ्रोन इमोट, फ्लेग इमोट। सो किस किस के पास थ्रोन इमोट फ्लेग इमोट है कमेंट्स में जाकर जरूर बताना, मेरे पास दोनों ही नहीं है। सो गाइस अपडेट के बाद में नया पेट भी आने वाला है, उसकी एबिलिटी तो आई डोंट नो किस टाइप की है, बट नया पेट आने वाला है, इसी के साथ गन्स में छेड़छाड़ भी होने वाले, लाइक MP40 की पावर कम कर देंगे, स्कार की पावर थोड़ी बढ़ा देंगे एंड बहुत कुछ नया भी आने वाला अपडेट के बाद। आई थिंक मैं 2-3 चीज़ें छोड़ भी रहूँगा, आई डोंट नो। एंड जो क्लैश कोड के अंदर ड्रॉप्स भी आने वाली है, ठीक है, मतलब भाई इस बार का अपडेट ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, अब लग रहा है कि हाँ कुछ अपडेट आया हमारे गेम के अंदर, ठीक है। चलो यार होपफुली कि आप सभी को आज का ये वाला वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हाँ कमेंट्स में जाकर जरूर बताना टाइम पास कैसे हो रहा है।